ये नारियल छील के तैयार, एक ही नारियल का बना रहे हैं। बहुत सारा बन जाएगा इसमें फिर भी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ये हम हैं, ये हमारा बेटू अल्लू है और ये हमारी वाइफ छाती फोड़ रहे खोपड़ी। क्या बने बेटू? नारियल का पीठा। नारियल का पीठा। तो आज हम आपको बताएंगे कि नारियल का पीठा कैसे कैसे बनता है। बनता तो कई तरीके से है, पर कैसे बनता है बेटू बता दोगे सबको? शिवा के जैसे बनता है। ये आलू मेरा शिवा है। ओके गाइस, आपको मिलते हैं नारियल पीठा बनाने के। ओके, ये निकला पानी नारियल का। हम नहीं पियेंगे इसे, पहले अल्लू को पिलाएंगे क्योंकि ये जूठा नहीं पीता किसी का। इधर देख के पियो बेटो, कैसा लग रहा है? मस्त प्लान है। हम खाए ना अगलो। नारियल हो चुके हैं अलग अलग, इसको छोड़ देंगे फेविक्विक से। पता नहीं भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। और ये बैठ चुके हैं हमारे नारियल फूटने वाली। नारियल को छील लेंगे सही से। नारियल पीठा करार জন্য নারকেলটাকে ভালো করে মিহি করে ये देखो इससे छिलेगा। हाँ दियो ना बेटा, लग जाएगा आपके। हाँ गुड बॉय। हाय गाइस कर दो सबको, बोलो हाय गाइस। क्या कर रहे हो? हाय गाइस, लाइट चालू करो, अंधेरे में हाय गाइस करोगे? हेलो, ये आप छीलो, आप निकालो इसका नारियल अंदर से, आप छीलो ना इसे। ये नारियल छील के तैयार, एक ही नारियल का बना रहे हैं। बहुत सारा बन जाएगा इसमें फिर भी। आप क्या करेंगे मैडम? आप कढ़ाई बसाबो, नारियलটাকে फ्राई করবো। ये डालेंगे इसमें कुछ बादाम। आइडिया से वो 25-30 एक नारियल के लिए। गिरा दो गिरा दो गिरा दो, इससे बढ़िया मेरे को दे दो। ये देखो सारे बादाम गिरा दिए। हाय भैया, एक बार बादाम कहाँ? भैया एक बार बादाम कहाँ है? बादाम कहाँ गया भाई? ये रहा उसको धो देंगे, धो के हम खा लेंगे। जरा सा घी बस 2 चम्मच। दो चम्मच घी डाल के थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि थोड़ा थोड़ा खुशबू आए। और घी अगर देसी हो तो ज़्यादा मजा है, देसी गाय का घी। देसी घी ये हमारी नानी जी ने भेजा था गांव से। इसमें डालेंगे गुड़, ये बादाम पिसे हुए, और ये अब गुड़ डाल देंगे। गुड़ मिक्स कर दिया था, अब इसमें डाल दिए बादाम सारे। हमारी मम्मी है, इलायची
अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लिया है आटा और ये नारियल का जो भी पिसा था अभी, नारियल कूट के ऐसे ऐसे इसको बना देंगे, डिजाइन ही बन जाएगा नारियल का पीठा। ये चले हम किचन में, अब इसमें डालेंगे दूध, एक नारियल के लिए 1 लीटर दूध। दूध गर्म करके डालना है, फिर इसमें और गर्म करना हो, फिर इसमें जितने भी नारियल के जितने पीठा बन रहे हैं ना आटा के साथ, उसको इसमें डाल। तैयार हो गए, मतलब ऐसे वाले तैयार नहीं हुए, हाथों से बना के तैयार कर दिया अभी पीठा। ये देखो डिजाइन कैसे कैसे बना, कांटेदार वाले। अब इसमें एक एक करके डालेंगे, ज़्यादा ऊंचाई से नहीं डालेंगे नहीं तो हाथ जल जाएगा दूध से। डालो जी, डुबकी लगवाओ इन पीठों से। एक मैं डालना पहले है ना, ये लेंगे और ऐसे करके डाल देंगे, ये लेंगे ऐसे डाल देंगे, देखते कौन पहले खत्म करता है। ये मोमोज है, मोमोज जैसे शेप का बना है। साले को उठा ही लूंगा। ये हमारे पिठा इसमें डूब चुके हैं अच्छी तरीके से। पत्ता ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा पत्ता। अगर आपके घर में एक पूरा है तो एक पूरा डाल सकते हैं, हमारे पास था नहीं इसलिए हमने आधा डाला है। और इस दूध में ये थोड़ा सा एक कटोरी आटा घोल के डालना है, क्योंकि अगर आटा घोल के नहीं डालोगे तो ये पतला पतला सा लगेगा, फिर ऐसा लगेगा जैसे दूध रोटी खा रहे हो। और ये सही से घोलना है, नहीं तो पता चला अंदर जाके गीले रोटी बन जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें चीनी भी डालना है, अगर डायबिटीज का पेशेंट हो तो नहीं डालना, डायबिटीज के पेशेंट के लिए उठा दो थोड़ा सा। ये जो आटा बोला था वो इसमें डाल दिया, ये देखो अभी देखो कितना पतला है, अभी इसमें आटा गोल के डाल दिया ना, अभी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप का हो जाएगा, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया देखो इसका। अब इसमें हम डालेंगे केसर, ये बनेगा केसर नारियल का पीठा। अब इसमें डालेंगे केसर, खोलो इसे, खोलो केसर भाई, गिरा मत देना। डालो कितना डालना वो तो बता दो। अभी घूमने कुछ कह दिया, इनका मुंह खोल गया, अपने हिसाब से डाल देना, मतलब कितना डालना है बताओ तो सही। अच्छा मतलब अपने अगर कोई ज्यादा चीनी मतलब मीठा पसंद करता है तो ज्यादा डालना है, कम पसंद करता तो कम डाल। अब ये लास्ट में डाल देंगे हम थोड़ा सा केसर। पीड़ा बोल पीड़ा केसर डाल ले फिर। शक्ल देखे तू अपनी, खाएगा तो तू ही सारे। अब इसको होने देंगे थोड़ी देर।
गाइस हमारा पीठा बड़ी शानदार है, ये भी बड़ी शानदार है। ओके गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना डिनर भी करें, हम भी कर रहे हैं। चलो करो फटाफट करो डिनर। आइए गाइस, ये देखो छोले ही बने थे।